साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। साथियों, दुबई से रिलेटेड आज नए न्यूज़ पीस के साथ में बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग दुबई में इंडिया के लोग रहते हैं, उनके लिए खुशखबरी क्या है मैं बता दूं। हालांकि बहुत सारे लोगों को नॉलेज भी होगा अगर वो दुबई रहते हैं तो, लेकिन जो लोग नए जाना चाहते हैं, जो प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए भी अच्छी न्यूज़ है। तो अपन शुरुआत करते हैं दुबई से रिलेटेड। साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर रोज़ नई अपडेट, नई जानकारी आपको मिलती रहे। तो साथियों शुरुआत करते हैं। दुबई का नया नियम बना है आप लोगों के लिए खास तौर से, तो दुबई से रिलेटेड जो जॉब जाना चाहते हैं या इंडिया के लोग वहाँ पे रहते हैं उनके लिए भी बेस्ट न्यूज़ है। न्यूज़ से रिलेटेड बात करेंगे, भारत के लोगों को दुबई सरकार ने क्या सुविधा दी है। जी हाँ साथियों, ये सुविधा बहुत ही बेस्ट है, ठीक है। 28 लोग, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी इंडिया के कितने लोग रहते हैं। 28 लाख भारतीय दुबई में रहते हैं। जी हाँ साथियों, आपको पता नहीं हो तो मैं बता दूँ, दुबई में सबसे ज़्यादा लोग रहने वाले हैं भारत के। 28 लाख लोग दुबई में रहते हैं, जो वहाँ की आबादी का कुल 21% हिस्सा रखते हैं, ठीक है। 21% हिस्सा बहुत बड़ा मायने रखता है, गवर्नमेंट को चेंज कर सकता है, इतनी बड़ा हिस्सा वहाँ पे इंडियन लोगों का है, ठीक है साथियों। अब इन लोगों को वहाँ की गवर्नमेंट क्या फ़ायदा देने जा रही है। मान लीजिए कि आप वहाँ पे कर्मचारी हैं, वहाँ पे वर्कर हैं, तो आप वहाँ काफ़ी टाइम से रह रहे हैं, कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, अच्छी सैलरी है आपकी, ठीक है। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने एक नया नियम बनाया है कि आप अगर चाहें तो अपने परिवार को भी वहाँ पे सेटल कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, ये बहुत बड़ी अच्छी न्यूज़ आप लोगों के लिए है कि अगर आपकी अच्छी सैलरी है वहाँ पे, अगर आप अपनी परिवार को मेंटेन कर सकते हो, इतना पैसा आपको होना चाहिए। ये नहीं कि आप 1500 दिरहम कमा रहे हो और आप फैमिली, वो तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वो गवर्नमेंट ने डिसाइड अभी किया नहीं है, वो करने वाली है। उसमें आपको बेनिफिट ये होगा कि आप दुबई में अच्छा पैसा कमा रहे हो तो आप वहाँ गवर्नमेंट कंपनी में, पर्सनली बात नहीं कर रहा हूँ, कंपनी में भी आपको, कंपनी आपको विथ फैमिली आपको वीज़ा प्रोवाइड कराएगी, आप अपनी फैमिली को वहाँ पे वीज़ा पे बुलवा सकते हो। जी हाँ साथियों, परिवार को भी मिलेगा वीज़ा, ठीक है, आप वहाँ अपने साथ में फैमिली को रख सकते हो। लेकिन इसकी शर्त ये रहेगी, न्यूनतम आय आपकी होनी चाहिए, जिसमें गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि आप अपनी फैमिली को वहाँ पे रखने में सक्षम हो क्या। एग्जाम्पल मान लो आप 2000 दरम कमा रहे हो, वहाँ पे खर्चा आपका 3000 दरम आ रहा है, तो इम्पॉसिबल। इसमें एक क्राइटेरिया होगा कि इतना अगर आप वहाँ पे सैलरी ले रहे हो तो आप अपनी फैमिली के लिए वीज़ा आवेदन कर सकते हो, कंपनी गवर्नमेंट आपको वीज़ा प्रोवाइड कराएगी। ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि बहुत सारे वर्कर, ये 28 लाख वर्कर हैं, तो सभी 1500-2000 दरम वाले नहीं हैं, बहुत ज़्यादा पैसा कमाने वाले भी लोग हैं। वो सिर्फ सिंगल रहते हैं, उनको पहले कंपनी फैसिलिटी नहीं देती थी, खुद के खर्चे पे ले जाना इम्पॉसिबल था, तो अभी ये पॉसिबल हो जाएगा, बहुत सारे लोगों को बेनिफिट इसमें होने वाला है। तो दुबई गवर्नमेंट ने इंडियन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी योजना डाली है, तो अच्छा जो पैसा कमाएगा वो अपनी फैमिली के साथ में वहाँ पे उनको अप्लाई कर सकता है और रख सकता है। ये आप लोगों के लिए न्यूज़ थी, मैंने आपको न्यूज़ दे दी। इसी तरह से न्यूज़ प्राप्त करने के लिए साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर रोज़ ऐसे टॉपिक आपको मिलते रहें जिससे आप धोखाधड़ी का शिकार उनसे बच सके। जय हिंद, वंदे मातरम।